मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो और कांग्रेस में गुटबाजी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कांग्रेस की अंदरूनी कला जन आक्रोश यात्रा में खुलकर सामने आ रही है। हाल तो ऐसे हैं कि कांग्रेस नेता मंच पर ही एक दूसरे से कुश्ती और मारपीट करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कमलनाथ कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कह कहकर थक गए कि एकजुट होकर चुनाव लड़ो, आपसी मतभेद भूल जाओ। पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जन आक्रोश यात्रा के दौरान डिंडोरी के शहपुरा में महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष संतोषी साहू और पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रकला परस्ते की मंच में ही तू तू मैं हो गई। दोनों एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गई। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल मंच के एक तरफ भाषण देते रहे तो उसी मंच में कांग्रेस नेता एक दूसरे से लड़ते रहे। अब दोनों महिला नेता अपनी अपनी सफाई दे रही हैं और आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। महिला नेत्री संतोषी साहू ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर पार्टी वर्तमान विधायक ओमकार मरकाम को फिर चुनावी मैदान में उतारती है तो डिंडोरी में कांग्रेस की हार पक्की है। सामने खड़ी थी चंद्रकला, उसने वीडियो वायरल करेगी। अब तो सच्चाई को दिखाना भी ना हो गया है। अब वो वीडियो वायरल करी होगी तो उसको उसने ऐसा कहा। उसके बाद फिर ये बोलने लगी कि हाँ मैं वीडियो वायरल करी हूँ भाई, उसमें जो सच्चाई है उसको मैं दिखाई हूँ, तो उसे धक्का मुक्की करने लगा। वीडियो में ओमकार भैया के खिलाफ वो बोल रही है, क्षेत्र में जाके बहुत कुछ उनके विरोध में मतलब बोल रही हैं। तो उसके लिए अब मेरे जिला उपाध्यक्ष है, वो उसको वायरल कर दी, उसको मिला होगा कहीं से, तो उसके धक्का मुक्की करने लगी। व्यक्तिगत जैसे ही मैं वहाँ सब जनमानस ने देखा और मैं वहाँ पे कुर्सी में ऑलरेडी 4 घंटे से यहाँ पे बैठी हूँ और आते ही संतोषी साहू जी मेरे ऊपर हाथ उठाई और मुझे अभद्र गोड़ गोड़ानिया तेरी नेतागिरी अब नहीं चलेगी ऐसा करके मेरे को ताना मारते हुए और अनेक अपशब्दों का प्रयोग किए। इस बात को लेके क्योंकि कल परसों 3-4 दिन का मामला है, मेरा चाचा है सुकलू जिसकी फौत हो चुकी है, उसके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा अपंग श्याम सिंह और उसकी पत्नी लालवती ग्राम बिलगांव निवासी, चूंकि बिलगांव मेरा भी मायका क्षेत्र है और वो मेरे सगे चाचा की बहू और बेटा हूँ और उनके साथ एक फर्जी मामला हो जाता है जमीन का, जिसमें ओमकार मरकाम विधायक जी के द्वारा अपने भतीजे के नाम पे फर्जी तरीके से पूरी जमीन को कब्जा कर लिया गया और एक एफिडेविट भी ये लिख दिया जाता है कि पूरी जमीन का सौदा हमारा 2,10,000 या 20,000 में हुआ। वहीं विधायक ओमकार मरकाम ने इस पूरी घटना को निंदनीय बताया है और दावा किया है कि महिला नेत्री संतोषी साहू ने उन पर भी हमला करने की कोशिश की। खैर नेता अब जो भी कहें, पर जनता जरूर सोच रही है जो अपना घर नहीं संभाल पा रहे वो पूरा प्रदेश कैसे संभालेंगे। जनता के लिए समर्पित रैली है, कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए पूरे हमारे नेता मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह से मंच पे यहाँ पर एक नेत्री के द्वारा विवाद किया गया वो निंदनीय है। सार्वजनिक मंच में इस तरह से कृत्य पूरी तरह से जिस तरह से उन्होंने श्रीमती चंद्रकला परस्ते ने विवाद करने के बाद महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ विवाद करने के बाद वो बड़ी तेजी से मेरे तरफ बढ़ रही थी, पता नहीं मेरे ऊपर हाथ छोड़ने का नियत था क्या था ये तो वही समझेगी। पर मुझे मुकेश पाठक ने बताया कि बड़ी उन्होंने कोशिश करके उन्हें रोकने का कोशिश किया था। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।